नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता का सवाल, टाइम का कॉलम खाली क्यों। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक और म्यूजियम को मस्जिद में बदला। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार होंगे चुनाव आयुक्त, अशोक लवासा की लेंगे जगह। दिल्ली के धौलाकुआ रिंग रोड के पास एनकाउंटर, एक आईएसआईएस आतंकी पकड़ा गया। औरंगाबाद में सोनाक्षी सिन्हा के सोशल अकाउंट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एक शख्स गिरफ्तार। अमेरिका में H-1B वीजा धोखाधड़ी मामले में एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार। सलमान की टाइगर 3 को लेकर जल्द होगी बड़ी घोषणा, कैटरीना संग आएंगे नजर। अर्जुन अवार्ड ना मिलने से निराश साक्षी, कहा कि अब और क्या करना होगा। ग्वालियर के पैरा स्विमर सतेंद्र ने रचा इतिहास, मिलेगा साहसिक पुरस्कार। जावेद मियादाद ने इमरान खान से मांगी माफी, की थी पीएम की आलोचना। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, श्रमिकों और एमएसएमई को सीधा पैसा देने से ही सुधरेगी स्थिति। सीआईडी ने गुज्जाला श्रीनिवासलू के घर मारा छापा, 1 करोड़ रुपए नकद और 3 किलो सोना जब्त। चीन को झटका, 1 सितंबर से गुणवत्ता जांच के बाद ही भारत में आयातित खिलौनों की एंट्री। चीन को एक और झटका, 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका रद्द। एनजीटी के निर्देश, चरखी दादरी में 3 महीने में हो वायु गुणवत्ता की जांच। कर्नाटक सरकार ने सरकारी डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में दिए जांच के आदेश। कोरोना से उबरने के कुछ घंटों के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुलु के मां का निधन। सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न समेत इस बार 8 पैरा खिलाड़ियों को मिलेंगे पुरस्कार। क्लाइव जर्स पेट की चोट के कारण अमेरिकी ओपन के तैयारियों के टूर्नामेंट से हटी। साक्षी मलिक के नौकरी नहीं देने के दावे को हरियाणा के मंत्री विज ने खारिज किया। कॉलेज दाखिला घोटाले में लोरी लॉगलिन को हुई जेल, $1.5 लाख का जुर्माना भी लगा। एम्स की फॉरेंसिक टीम पता लगाएगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण, ऑटोप्सी रिपोर्ट की होगी जांच। WHO ने कहा कोरोना वायरस के म्यूटेशन पर है अधिक शोध की आवश्यकता। प्रमिला जयपाल ने कहा उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नामांकन महत्वपूर्ण।